हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विथ मी। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ प्रोनाउन। इससे पहले हम दो पार्ट ऑफ प्रोनाउन कर चुके हैं, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात की थी, उनके रूल्स के बारे में समझा था, यूसेजेस को समझा था, और आज हम यहाँ पे अदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, हमने पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात की थी, लेकिन वहाँ पे हम एक रूल जो था वो रह गया था, तो मैंने उसको इस वीडियो में रख लिया है। तो देखो, वो रूल क्या कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम पजेसिव केस नहीं लगाते। कौन कौन से ये वर्ड हैं? सेपरेशन, एक्सक्यूज, लीव, फेवर, मेंशन, पैराडॉक्स। ठीक है, इनसे पहले अगर हम पजेसिव केस लगा देंगे ना, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इनको सही करने के लिए कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। देखो, लेट मी टेक योर लीव, तो यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे ना बोल के हम सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इस तरह बोलेंगे, लेट मी टेक लीव ऑफ यू, आई कांट बियर योर सेपरेशन। बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना, सेपरेशन मतलब अलगाव, और इसको भी योर सेपरेशन नहीं बोलेंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते एग्जाम्पल्स। ही वॉन्ट माई फेवर, ये तो ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं, माई फेवर, हिज फेवर, योर फेवर। ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता। हमको इसको बोलना है तो कैसे बोलना पड़ेगा? ही वॉन्ट्स फेवर फ्रॉम मी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू करते हैं। देखो, पहले जान, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब कि जो आप करते हो, जो सब्जेक्ट, जो एक्शन कर रहा है, उस एक्शन का असर उसके ऊपर आए। ठीक है, जो काम सब्जेक्ट करे उसका असर भी उसी के ऊपर आए। मतलब सब्जेक्ट ही डूअर हो और सब्जेक्ट ही रिसीवर हो, काम करने वाला भी वही हो और उसका परिणाम भुगतने वाला भी वही हो। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे देखो सेल्फ लगा देते हैं। सारे जो सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं ना, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शोज दैट द सब्जेक्ट आल्सो रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब। वर्ब जो भी कर रहा है, वर्ब का मतलब ही होता है एक्शन वर्ड, तो जो भी एक्शन हो रहा है उसका रिसीवर भी वही सब्जेक्ट होता है जो वो काम कर रहा होता है। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, मैं भूल गई, फुल स्टॉप लगा दिया, देख लेना, ध्यान रखना इसको। डिड यू हर्ट योर सेल्फ, तो यहाँ पे क्या है, हर्ट कौन कर रहा है? यू, और कर किसको रहा है? खुद ही को कर रहा है। सब्जेक्ट भी वही है और रिसीवर भी वही है। ठीक है, बाकी के एग्जांपल्स देख लो, वी रूइंड आवर सेल्फ, काम किसने किया? हमने किया, और बर्बाद भी हम ही हुए, मतलब बर्बाद करने का काम हमने किया और हम ही बर्बाद हुए। ठीक है, तो ये चीज़ देखना। और यहाँ पे देखो, स्टूडेंट्स हु चीट इन दिस एग्ज़ाम, यहाँ पे होगा, मेरे से मिस हो गया ये वर्ड, स्टूडेंट्स हु चीट इन दिस एग्ज़ाम आर ओनली हार्मिंग देम सेल्फ। स्टूडेंट जो चीट करेंगे, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है सब्जेक्ट? कहाँ तक है? स्टूडेंट्स जो चीटिंग करेंगे इस एग्ज़ाम में, वो क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं। किसको हार्म कर रहे हैं? खुद अपने आप को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह जगह यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, कभी भी, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जो कभी कभी इंट्रोडक्शन में आप बोलते हो ना, माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो, माई सेल्फ, जैसे मैंने मान लो अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बोला माई सेल्फ शालिनी सिंह, गलत है, ऐसा नहीं बोला जाता। कभी भी माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ नहीं होता। मतलब एक तरह से याद करो कि जितने भी सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो सेंटेंस की स्टार्टिंग उनसे नहीं होती। आपको अगर कहना ही है, अपना इंट्रोडक्शन देना ही है, तो माई नेम इज़ बोलो या आई एम बोलो। ठीक है, माई सेल्फ नहीं बोलना, माई सेल्फ से कोई भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, याद रखना। चलो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स देख लेते हैं। देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगाना एकदम ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है। देखो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपने पढ़ा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कि बिना ऑब्जेक्ट के अपनी मीनिंग नहीं दे सकते। उनको अगर अपनी मीनिंग देनी है ना, तो उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, वो पूरी तरह से अपनी मीनिंग देने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं?
ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसिटिव वर्ब्स टेक ऑब्जेक्ट विद देम, उनके साथ ऑब्जेक्ट रहता ही रहता है। और इन ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे वो अपनी मीनिंग दे सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई साथ में हो या ना हो, अकेले ही काफ़ी है, ठीक है। ऐसे होते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स, वो अपनी मीनिंग खुद दे देते हैं, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं, यानी इनके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपने इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल में देखते हैं, आई अब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। सिर्फ ये लिख देते आई अब्सेंटेड फ्रॉम द ऑफिस तो गलत हो जाता, ठीक है। आपको अगर लिखना है तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे आई अब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, ये सिर्फ इतना नहीं, ही इंजॉयड द पार्टी, ही इंजॉय एट द पार्टी, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एब्सेंट, इंजॉय, रिज़ाइन, अप्लाई, एडजस्ट, प्राइड, अवेल, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो जो भी उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, जो भी उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चिपका दो उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो तीन सेंटेंसेस दिए हैं, इन तीनों में गलत भी है, एक सेंटेंस गलत है। कौन सा गलत है, दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा सही है। देखो मैं बताऊँ, इंजॉय एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ब है, सॉरी क्या है, वर्ब है, एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमें क्या चाहिए होती है, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होती है। अब कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, देखो ऑब्जेक्ट पता करने का एक तरीका है, हमें वर्ब से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तीन क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कौन कौन सा, हूँ, whom और what, ठीक है। अब वर्ब से क्वेश्चन पूछो, चलो देखो पहले वाले में कैसे करते हैं, what did he enjoy, तो आंसर क्या मिलेगा, क्या एंजॉय किया उसने, पार्टी, मिल गया आंसर। दूसरे में देखो करके, what did he enjoy, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तो जगह है ना, where, अगर where लगा के क्वेश्चन पूछोगे तब इसका आंसर मिलेगा, where did he enjoy, एट द पार्टी, ही इंजॉयड एट द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉट लगाने से आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये अदर वर्ड है, क्या है, ये अदर वर्ड है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट मत बोलना, ठीक। ऑब्जेक्ट हमेशा वही होता है जिसको वर्ब से क्वेश्चन पूछो, क्या लगा के, हुम और वॉट, अगर आंसर आ रहा है वो तब वो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो वो आंसर ऑब्जेक्ट नहीं है। तीसरे में देखो, ही व्हाट डिड ही इंजॉय, तो आपको मिल गया ना आंसर, ही इंजॉयड हिमसेल्फ, वेयर डिड ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, एट द पार्टी तब आंसर मिलेगा जब वेयर पूछोगे, ठीक है। लेकिन आपको किससे ऑब्जेक्ट को पता करने के सिर्फ तीन ही तरीके हैं, कौन कौन से, हुम और व्हाट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो रूल नंबर टू क्या बोलता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, और जब वो इंट्रांजिटिव की तरह यूज हो, ऐसा नहीं कि वो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं, यू कैन यूज दीज वर्ब्स एज ट्रांजिटिव वर्ब, आप ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी वो इंट्रांजिटिवली यूज हुए हो, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुए हो, तो उनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पता है इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, खुद ही में काफ़ी है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है अपना मीनिंग देने के लिए। तो उसके बाद हम अगर ये लगा देंगे तुम्हारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन कौन से वर्ब्स हैं वो, कीप, ब्रेक, सेट, बाथ, स्टॉप, हाइड, रेस्ट, टर्न, गैदर, एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ब्स हैं, वर्ब्स क्या है, वर्ब्स हैं, ठीक है। आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी क्लियर होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं भी है तभी भी ये अपनी मीनिंग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रहे या ना रहे ये काफ़ी है, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, ही केप्ट अवे फ्रॉम द पार्टी, ही केप्ट अवे फ्रॉम द पार्टी, ठीक है। केप्ट लगाए, कीप की सेकेंड फॉर्म है केप्ट, सही है, कोई ज़रूरत नहीं इसको हिमसेल्फ की, अगर यहाँ पर अब हिमसेल्फ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा,
ठीक है। और इंजॉय और अवेल के साथ ही पूरा एकदम अपोजिट सिचुएशन था, उसमें तुमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना था, यहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये देखो, शी हाइड इन द रूम, हिड इन द रूम, और फिर शी हिड हिमसेल्फ इन द रूम, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। अब इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो जो प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वही वही प्रोनाउंस इम्फैटिक प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन प्लेस क्या हो जाती है सेंटेंस में, चेंज हो जाती है, इनका फंक्शन अलग अलग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। लेकिन इम्फैटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह नहीं काम करते, ये नाउन या प्रोनाउन को इम्फोसाइज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन पे जोर देते हैं। इम्फोसाइज करना मतलब जोर देना। ये क्या करते हैं? ये एकदम सब्जेक्ट, जिस नाउन या प्रोनाउन पे इनको जोर देना है उसके जस्ट बाद ये लगते हैं, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था? एकदम ऑब्जेक्ट की जगह पे लगता था, लेकिन ये क्या करते हैं? जिस नाउन या प्रोनाउन को इनको जोर देना होता है उसके बगल में लगते हैं, उसके बाद लगते हैं। देखो, I myself solve this question, जैसे मैंने खुद ये question solve किया, ठीक है। मैं अपने आप पे क्या कर रही हूँ? जोर दे रही हूँ कि मैंने खुद से ये question solve किया है, तो I के बाद क्या लग गया? Myself लग गया। यहाँ पे myself reflexive pronoun की तरह use नहीं हुआ है, किसकी तरह use हुआ है? Emphatic pronoun की तरह use हुआ है। दूसरा, Ram himself found the solution, राम ने खुद solution ढूंढा, ठीक है, किसी और ने नहीं ढूंढा, राम ने खुद ढूंढा। यहाँ पे देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे भी पता कर सकते हो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट का उससे कोई लेना देना नहीं होता, सब्जेक्ट अलग होता है ऑब्जेक्ट अलग होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में क्या था कि जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सब्जेक्ट अलग होता है ऑब्जेक्ट अलग होता है। सब्जेक्ट देखो आई है, ऑब्जेक्ट क्या है? द क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या सॉल्व कर रहा है ना, कोई सॉल्व क्या कर रहा है, आई क्या सॉल्व कर रहा है? क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। सेकंड वाला देखो, राम हिमसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, राम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? द सॉल्यूशन, ठीक है। और सीता इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? हर फॉल्ट है। तो ये याद रखना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, इम्फैटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता, वो उस नाउन या प्रोनाउन के बगल में लगता है, उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में लगता है जिस पे वो जोर देता है, जिसको वो एम्फसाइज करता है, ठीक है। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये तो था ये वीडियो आज का, आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे अभी और भी पार्ट्स हैं प्रोनाउन के, जिसमें हम बाकी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।